उठा के अब छोड़ देना है। ये देखिए रनिंग रेडी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देखें डीजे लाइट ट्रिक्स। दोस्तों आज यहां पे मैं लगा रखा हूं, ये देखिए हमारे पीछे में 6 पार लाइट, ये देखिए एक स्टैंड में लगा रखे हैं। और यहां पर देखिए दोस्तों, जो कि जिया J191 मॉडल का DMX है, और इस DMX में आज आप लोग को मैं प्रोग्रामिंग सिखाने वाला हूँ यहाँ पर 6 पार लाइट के साथ में। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, यहाँ पर ये देखिए जो कि जिया J191 के जैसा मॉडल है, ये BLL कंपनी की ओर से दोस्तों प्रो DMX 200। तो दोस्तों यहाँ पर ये DMX भी जिया J191 के जैसा सेम प्रोग्रामिंग होता है, और इसमें मैं आप लोग को आज प्रोग्रामिंग करने के लिए सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका सिंपल प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये रहा पावर बटन, देखिए अभी DMX को ऑफ कर दिए हैं, और चलती है DMX को ऑन करते हैं। ये देखिए DMX ऑन हो गया दोस्तों। दोस्तों जब DMX ऑन हो जाती है तो सबसे पहले हमें इन पार लाइट्स को मैनुअली चलाने के लिए सीखना पड़ेगा। दोस्तों इन पार लाइट को DMX के साथ कनेक्ट करने के लिए ये देखिए हमने एक वायर का यूज किया है जो कि हाइगेन XLR मेल फीमेल जैक होती है, ये देखिए, जो कि DMX से आउटपुट होके और पार लाइट में जा करके इन होती है। मैं आप लोग को पूरा कोड बूस्टिंग दिखाऊंगा, फुल वायरिंग भी दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले सारे पार लाइट्स का एक बार कोड दिखा देता हूँ, क्या कोड मैं डाल रखा हूँ इन पार लाइट में। दोस्तों यहाँ पर मैं 6 पार लाइट को लगा के रखा हूँ, ये देखिए, और सारे पार लाइट में नंबरिंग क्या हुआ है मेरा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे फर्स्ट में जो कोड डाल रखा हूँ वो कोड आप देख लीजिए, ये देखिए फर्स्ट वाले पार लाइट में A001 है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, अगर आप कोई भी DMX यूज करते हैं पार लाइट के साथ में, और जिस पार लाइट में D001 वाला कोड काम नहीं करता हो, उस पर आप मेन्यू को, ये देखिए मेन्यू वाला बटन होता है, इसे प्रेस कीजिएगा और ए वाला सीरीज आता होगा तो ए वाला कोड परफेक्ट काम करेगा। तो यहाँ पर मैं भी अपने पार लाइट में ए वाला कोड का ही यूज कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट वाले पार लाइट पर A001 है, और इसका सेकेंड वाले पार लाइट पर A017 है। दोस्तों एक दूसरे पार लाइट के बीच में 16 डिजिट का गैप होता है, जो कि इसमें 001 है और सेकेंड वाले पे 017 है। यहाँ पर देखिए तीसरे वाले पे A033 है, फिर देखिए चौथे वाले पे A049 है, A049, और यहाँ पर पांचवे वाले पार लाइट पे ये देखिए A065 है, और छठा पार लाइट पे A081 है। दोस्तों यहाँ पर कोड बूस्टिंग को भी मैं बिल्कुल क्लियर दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए जो कि हमारा DMX से पीला वाला वायर आया था, ये देखिए ये पीला वाला वायर है जो कि DMX से आया है, और ये पार लाइट में इनपुट पे लगा है। दोस्तों ये देखिए पार लाइट में इनपुट पे लगा है, और ये जो पिंक वाला वायर है ये देखिए ये वाला आउटपुट से लग गया है और दूसरे पार लाइट के इनपुट में गया है, और फिर इस पार लाइट का आउटपुट से इसके अगले पार लाइट का इनपुट में गया है। दोस्तों इसी तरह से एक दूसरे पार लाइट को सीरीज कर लेना है, इनपुट आउटपुट करके, और लास्ट वाला पार लाइट पर आप देखिएगा तो उस पर केवल इनपुट गया है और आउटपुट उससे कुछ नहीं है, क्योंकि आगे अगर, और दोस्तों अगर इससे आगे भी आप पार लाइट सीरीज करना चाहते हैं तो लास्ट वाला पार लाइट के आउटपुट लेकर के उस पर इनपुट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज इसका प्रोग्रामिंग को देख लेते हैं। DMX में आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए जो 12 बटन दिया हुआ है, जैसे कि DMX 512 में था स्कैनर बटन, सेम ये भी उसी के जैसा काम करेगा। दोस्तों उसमें चेस बटन दिया हुआ था 1 से 6 तक, इसमें वो नहीं है। ये देखिए यहाँ पर केवल स्टेप चेंज करने के लिए दिया हुआ है, और इधर से स्कैन को चेंज करने के लिए भी लेफ्ट और राइट ही दिया हुआ है। और इधर में देखिए दोस्तों, जैसे कि ब्लैकआउट का बटन है, म्यूजिक का बटन है, DMX 512 पे भी था म्यूजिक का बटन, और यहाँ पर पेज ए और पेज बी करने के लिए भी बटन दिया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए जो चैनल होते हैं ए और चैनल बी के लिए, और यहाँ पर एडिट, और यहाँ पर देखिए स्कैन का एडिट रन, और ये रहा चेस का एडिट रन बटन, और ये रहा मैनुअल। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं मैनुअल में आप लोग को ये पार्लेट चला के दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा पार्लेट 6 लगा हुआ है, इसलिए मैं सबसे पहले एक को दिखाता हूँ। ये देखिए एक स्क्वायर को ऑन किए, और यहाँ पर लाइट देखे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर होता है पावर, ये देखिए कोई नहीं जलेगा, और सेकेंड नंबर पर रेड कलर जलेगा। ये देखिए एक पार लाइट अभी रेड कलर में ग्लो हो रहा है। तो दोस्तों आज यहाँ पे हम 6 पार लाइट लगा रखे हैं, तो यहाँ पर 6 स्कैन को पहले ऑन करेंगे। तो इसे डाउन करते हैं,
और 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं बिल्कुल ये लोकल भाषा में आप लोग को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ सारे पार लाइट को एक बार ऑन करके। ये देखिए सारे पार लाइट अभी ऑन हो चुके हैं, 6 पार लाइट। यहाँ पर देखिए 6 स्कैनर जो कि 16 डिजिट का गैप करके था कोड। अब दोस्तों अगर आपको ये प्रोग्रामिंग को ऐड करना है यहाँ पे तो मैं दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसकी प्रोग्रामिंग को हम ऑन करते हैं। ये देखिए जो कि एडिट है, एडिट स्कैन रन। दोस्तों यहाँ पर एडिट स्कैन रन है, इस बटन को एक बार प्रेस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले स्टेप सुन लीजिए, अगर आपको स्कैन पेज बनाना है तो यहाँ पर स्कैन वाला एडिट को करना होगा। और अगर चेस बनाना है, यहाँ पर सी की जगह एस लिखा गया है लेकिन ये चेस है, तो यहाँ पर अगर चेस बनाना है आपको तो इसको लॉन्ग प्रेस करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले लॉन्ग प्रेस करते हैं एडिट स्कैन को। ये देखिए एलईडी ब्लिंक करने लगा। दोस्तों अब यहाँ पर ये एलईडी जब ब्लिंक करेगा तो इसके आगे हम प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले इसे देखिए डिस्प्ले पे N00 है और इस N00 पर हम प्रोग्रामिंग को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग को ऐड करने के लिए सबसे पहले देखिए स्कैन नंबर 1 को पहले दबाना होगा। यह हमारा स्कैन नंबर 1 हो गया, इस पर हम कोई एक पारलाइट को हम चालू करते हैं। ये देखिए अभी कोई पारलाइट नहीं जल रहा है। अब यहाँ पर इसे हम ऑन करेंगे रेड कलर में। ये देखिए फर्स्ट नंबर वाला पारलाइट हमारा जल रहा है। अब यहाँ पर इसे कर देंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर ये देखिए सेव कॉपी, इस बटन को प्रेस करके रखना है और यहाँ पर एक एलईडी ब्लिंक करेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये देखिए Y001 में ये चेंज हो गया, यानी कि ये एक नंबर पे ऐड हो चुका है। अब दोस्तों इस पारलाइट को हम पहले ऑफ करेंगे। ये देखिए बंद हो गया। अब यहाँ पर सेकेंड पारलाइट हम चालू करेंगे, फर्स्ट को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर इसे हम जैसे लाइट देंगे तो ये देखिए दूसरा पारलाइट अभी हमारा चालू हो चुका है। और अब यहाँ पर इसे करेंगे, यहाँ पर देखिए देखिए दोस्तों स्कैन में एक बार स्टेप को चेंज करना होगा। ये देखिए नंबर 1 आ गया। अब इसे कर देंगे सेव कॉपी, लॉन्ग प्रेस करके रखना है। ये देखिए एलईडी जल गया यानी इसमें सेव हो चुका है। फिर से इसे डाउन करेंगे, तीसरे नंबर पारलाइट को ऑन करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर ये देखिए तीसरा नंबर पारलाइट अभी ऑन है और यहाँ पर एक स्टेप चेंज करेंगे 2, इस पर सेव कर देंगे। फिर से वापस से डाउन करेंगे, फिर से चौथे नंबर वाले पार को जलाएंगे, इस पर लाइट देंगे। ये देखिए लाइट आ चुका है और यहाँ पर स्टेप पहले चेंज करेंगे और अब यहाँ पे कॉपी करेंगे। फिर से डाउन करेंगे, पार लाइट चेंज करेंगे। ये देखिए पांचवा वाला पार लाइट अभी ऑन है और यहाँ पर स्टेप को चेंज करेंगे और इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे। फिर से यहाँ पर डाउन करना है और लास्ट छठे नंबर वाला पार को ऑन करेंगे। ये देखिए छठा नंबर पार लाइट अभी ऑन है और अब यहाँ पर स्टेप को चेंज करेंगे, सेव कॉपी वाला बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। ये देखिए हमारा प्रोग्रामिंग ऐड हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर फेडर को डाउन करेंगे और यहाँ पर जो स्कैन वाला बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ये ब्लिंक होना बंद हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों हमें इसके बाद चेस को ऐड करना होगा। अब दोस्तों इसके बाद हम चेस वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। ये देखिए ये ब्लिंक करने लगा, हमें नंबर 1 वाले बटन को एक बार प्रेस करना होगा। ये देखिए 00 है यहाँ पे और ये देखिए फर्स्ट वाला एलईडी जल रहा है। दोस्तों यहाँ पर इसे एक बार कॉपी कर देंगे, देखिए कॉपी हो गया। इसके बाद स्टेप को चेंज करेंगे, ये देखिए स्टेप जैसे ही चेंज किए और पारलाइट सेकेंड में आ गया। इसे भी कर देंगे एक बार कॉपी, फिर से ये देखिए स्टेप यहाँ से चेंज करेंगे तो वहाँ से पारलाइट चेंज हो गया। देखिए तीसरे पारलाइट पे आ गए हैं अभी हम, इसे भी कर देंगे एक बार कॉपी। फिर से यहाँ पर चौथे पारलाइट को ऑन करेंगे, फिर कर देंगे कॉपी। फिर से पाँचवें पारलाइट को ऑन करेंगे, फिर से करेंगे कॉपी। फिर से छठे पारलाइट को ऑन करेंगे, फिर से यहाँ पर दबाएंगे कॉपी। अब दोस्तों इसे रिवर्स में रनिंग को ले जाना है तो उसके लिए फिर से यहाँ पर एक बार लास्ट वाला पारलाइट को ऑन करना है और इसे कर देंगे कॉपी। फिर से
पांचवें पार लाइट को ऑन करेंगे, फिर करेंगे कॉपी, चौथे पार लाइट को ऑन करेंगे, फिर करेंगे एक बार कॉपी, फिर तीसरे पार लाइट को ऑन करेंगे, फिर कर देंगे कॉपी, दूसरे पार लाइट को ऑन करेंगे, फिर कर देंगे कॉपी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रोग्रामिंग सेव हो चुका है, ऐसे जा करके और वापस रिटर्निंग आएगा। दोस्तों इसे सेव कैसे करना है यहाँ पर देख लीजिए, एक बार फिर से चेस वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। ये देखिए ये पार लाइट ऑफ हो चुका है, और यहाँ पर अब नंबर वन वाले बटन को मैं प्रेस करेंगे। ये देखिए जो कि स्पीड और क्रॉस वाला फेडर होता है, दोनों को उठा के छोड़ देना है। ये देखिए रनिंग रेडी है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक साउंड वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं फिर मिलता हूँ इसका नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट प्रोग्रामिंग को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।